सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे प्रसिद्ध शिक्षकों हेतु आयकर आगरण प्रपत्र। तो देखिए साथियों, एक वेबसाइट है जिसपे आप अपना डिटेल भर के अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिए। देखिए साथियों, यही वेबसाइट है प्रसिद्ध शिक्षकों हेतु आयकर आगरण प्रपत्र जनरेटर वित्तीय वर्ष 2023-24। तो चलिए, तो आप हम इसमें जो नई कर व्यवस्था आया है न्यू टैक्स रिज्यूम, हम उनके उसके अनुसार भरेंगे। ये खास तौर पे 69,000 शिक्षकों प्रथम बैच एवं सेकेंड बैच के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए, तो हम इसमें अब शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो ग्रेड पे है साथियों, ये पहला वाला है लेवल 6 ग्रेड पे 4200। तो अब हम डन करेंगे, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे गो का ऑप्शन है, हम गो पे क्लिक करेंगे। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा साथियों। देखिए ये पेज है, ये पेज आप देख लीजिए, कर्मचारी के विवरण भरना है, कृपया ध्यान से भरें। तो यहाँ देखिए, पहले में दिया है कर्मचारी का नाम, तो आप इसमें अपना नाम भर लेंगे, जो भी आपका नाम हो, ABC मान लेते हैं। सब कैपिटल लेटर में भरना है आपको। मान लीजिए पिता का नाम है, उसको आप भर लेंगे, सब कैपिटल में भरना है। अपना कोड भर लेंगे, जो भी आपका कोड है। अपना जन्मतिथि आप भर लेंगे, जो आपका जन्मतिथि है उसको भर लेंगे साथियों। उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण सूचना है उसको आप आराम से भरेंगे, बहुत ही सावधानी से। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक जो है तो यस करेगा, जो नहीं है नो कर देगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, लिंक करेंगे, लिंक मेल है कि फीमेल है भर लेंगे आप। अब हम आगे चलते हैं, दिव्यांगता अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद ये देखिए, पैन नंबर भरना है आपको, पैन नंबर भर लेंगे, अपना आधार नंबर भर लेंगे, वेतन वाला खाता संख्या भर लेंगे, बैंक का नाम भर लेंगे और मोबाइल नंबर भर लेंगे। ठीक है, ये स्वैच्छिक है, आप भर भी सकते हैं, मतलब जब आप अपना भरिएगा तो अपना जरूर भरेंगे। तो जब लास्ट में इनकम टैक्स कैलकुलेटर जनरेट होगा तो पूरा डिटेल आपको भरा रहेगा, पिन से नहीं भरना पड़ेगा। अब आइए, स्कूल टाइप में PS है तो PS करेंगे, UPS है तो UPS करेंगे साथियों, कंपोजिट है तो कंपोजिट कर लेंगे। अब विकासखंड जो आपका है, मान लीजिए हमारा विकासखंड है भावरकोर, तो भावरकोर कर लेते हैं। जनपद गाजीपुर है तो गाजीपुर कर लेते हैं। अब देखिए, कर्मचारी का वेतन ग्रेड पे है 4200। अब देख लीजिए, बेसिक पे मार्च 2023 में जो हमारा बेसिक पे था साथियों, हमारा था 37,600 था। वेतन वृद्धि माह जुलाई में हम लोग का साथियों वेतन वृद्धि होता है, जुलाई पे क्लिक करेंगे। HRA ग्रामीण का साथियों 1340 रुपये है, आपको पता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, OPS नॉन OPS, OPS है कि NPS है साथियों, तो NPS है हमारा, NPS भर लेते हैं। डिटेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट, इसको स्टार्ट वाले पे कर देंगे। GIC साथियों ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, DA में, DA एरिया है साथियों, 10% NPS में जाता है, नगद भुगतान होता है खाते में, 10% जाता है NPS में। बोनस साथियों यस है, यस करेंगे बोनस को। बोनस पेमेंट मोड 100% खाता में आता है बोनस, इसमें कटौती नहीं होता है। अब अन्य कोई एरिया है तो भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरेंगे साथियों, छोड़ देंगे इसको। अब आगे चलेंगे, अग्रिम टैक्स, अग्रिम आयकर कटौती जानने के लिए आप अपना मानव संपदा पोर्टल के पेरोल मॉड्यूल की मदद ले सकते हैं। वहाँ आपको आपके सैलरी स्लिप में अग्रिम कटौती पता चल जाएगा। तो मेरा साथियों अप्रैल से 500-500 रुपये कट रहा है, तो सब में 500-500 रुपये हम भर देंगे।
आप भी भर लेंगे अप्रैल मई जून जुलाई, जिसका 1000 कट रहा होगा वो 1000 भर लेगा, जिसका 2000 कट रहा होगा वो 2000 भर लेगा। सब में बारी बारी से 500-500 भर लिया जाएगा। मेरा तो साथियों 500 कटता है, उसी अनुसार हम भर लेंगे। देखिए सब में 500-500 रुपये मैंने डाल लिया। अब आगे आते हैं अंश, तो उसे कोई आए तो है ही नहीं। अब देखिए ये नए वाले में ये सब भरना ज़रूरी नहीं है साथियों, जिसका NPS कट रहा है। चलिए अब हम इसको प्रिंट IT असेसमेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डेजिग्नेशन कुछ छोटा है साथियों, पद को भर लेंगे। ये था PS वाला। देखिए आपके सामने साथियों पूरा आ जाएगा। इसको हम PDF में डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा ही आयकर आग्रहण प्रपत्र जनरेट हो जाएगा। देख लीजिए सब नाम आप अपना भरेंगे, मैंने नाम नहीं भरा था वैसे ही किया है। आप अपना नाम हर चीज भर लेंगे। देखिए सब मार्च से शुरू है, पूरा फरवरी 24 तक है। देखिए एरियर भी है, जो DA 38% से 42% हुआ था, उसके बाद एरियर जो है 42 से 46% हुआ था। जनवरी से अप्रैल तक का इतना है, उसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का इतना है, उसके बाद देखिए बोनस भी है 22-23 का 6908 रुपये। ऐसे सब कैलकुलेट करेंगे साथियों, तो देखिए आपका टैक्स जो है 0 बन जाएगा। नए स्लैब के अनुसार ये आग्रहण हो रहा है। अब देख लीजिए पहले आप सब देखिए लिखा हुआ है कुल आय ग्रॉस इनकम प्लस NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7,85,183 रुपये है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मैक्सिमम 50,000 हो गया है स्टैंडर्ड। उसके बाद शेष आय है, दोनों इतना माइनस कर दिया गया है 50,000, तो 7,35,183 रुपये हो गया है। देख लीजिए इतना घटा है साथियों, तो आपका टोटल आ रहा है कर योग्य आय 6,41,580 रुपये हो गया ये। अब देखिए लास्ट में आपका कुल आपको इनकम टैक्स साथी है, आपका इनकम टैक्स बन रहा है 19,158 रुपये, लेकिन 10A के अनुसार साथियों आपका 25,000 का मैक्सिमम छूट मिलेगा। अगर आपका इनकम 7 लाख से कम हो जाएगा तो आपको 25,000 का छूट मिलेगा। देख लीजिए उसके बाद देखिए साथियों ये 55,000 घट गया है, तो माइनस 5500 है साथियों। ये 5500 घट गया तो -5500 है, मतलब आपको 5500 रुपये इनकम टैक्स जब भरेंगे तो आपको रिफंड हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इस वेबसाइट पे हो जाएगा। तो ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।